अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी बनाते वक्त ऐलान किया था कि वो किसी दागी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन राजनीति में आने के 2 साल के अंदर ही केजरीवाल शायद उस वादे को भूल बैठे हैं। आलम यह है कि आप में ऐसे उम्मीदवारों की भरमार है जिनका दामन किसी न किसी वजह से कभी न कभी दागदार हुआ है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी को अब तक अपने 15 उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन आपको अपने दाग अच्छे लग रहे हैं और उसने 15 में से 10 उम्मीदवारों के दाग साफ करते हुए अपनी जांच में उनको क्लीन चिट दे दी है, लेकिन 5 उम्मीदवारों के आरोपों की जांच जारी है। अब सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आपने बाकी बचे 5 उम्मीदवारों को भी अपनी जांच में सभी आरोपों से आजाद कर दिया है। आम आदमी पार्टी अपने सभी 70 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि पार्टी के कई उम्मीदवारों पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं। ये आरोप करप्शन से लेकर क्रिमिनल केसेस के हैं और पार्टी ने साफ ये कहा है कि पार्टी अगर किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उसका टिकट काटेगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी है। दरअसल आरोपों की संगीनता को देखते हुए आपके 5 उम्मीदवारों के टिकट पर तलवार लटक रही थी, क्योंकि उन उम्मीदवारों पर करप्शन, क्रिमिनल और कैरेक्टर खराब होने के दाग लग रहे थे। अब जरा आपके उन उम्मीदवारों का नाम भी जान लीजिए। आपके दागी उम्मीदवारों में सबसे गहरा दाग बवाना से आप उम्मीदवार वेद प्रकाश पर लगा है, जिन पर अब तक 20 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दूसरा नाम मुंडका से आप उम्मीदवार राजेंद्र डबास का है, जिन पर हत्या करने तक का भी संगीन आरोप लगाया गया है। तुगलकाबाद से आप उम्मीदवार सही राम भी कहीं से भी सही नहीं है। सही राम पर झगड़े और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के कई मामले दर्ज हैं, लेकिन पार्टी अब भी सही राम का बचाव कर रही है। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस लिस्ट में नया नाम घोंडा से आप उम्मीदवार एसडी शर्मा का भी है, जो अपने दामन पर करप्शन का दाग झेल रहे हैं। एसडी शर्मा पर धोखे से डीडीए की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप है। दागे लोगों में एक नाम आपके एक पूर्व विधायक जगदीप सिंह का भी है, जिन पर आप पार्टी की महिला नेता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। हालांकि पार्टी अब भी दावा कर रही है कि अगर उनके किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो पार्टी कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। आपके 5 उम्मीदवारों पर बेहद संगीन आरोप है, जिन पर हत्या, करप्शन और महिला के साथ छेड़छाड़ जैसे आरोप शामिल है, लेकिन पार्टी ने इन सबको क्लीन चिट दे दी है और पार्टी ने साफ कर दिया है कि पार्टी किसी का भी टिकट नहीं काटेगी। हालांकि पार्टी अब भी दावा कर रही है कि अगर सबूतों में जरा सी भी सच्चाई हुई तो पार्टी टिकट काटने से परहेज नहीं करेगी, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों का टिकट अब तक बरकरार है। आप नेता भले ही कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि कई उम्मीदवारों के खिलाफ FIR से लेकर RTI जैसे पुख्ता सबूत होने के बावजूद पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की कोशिश नहीं की। शायद पार्टी को डर है कि अगर किसी उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो दिल्ली में फिर से सरकार बनाने के सपने में खलल पड़ सकता है। एक विज्ञापन की लाइन आपको अच्छे से याद होगी, जिसमें दाग को अच्छा बताया गया है और ये बात आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि पार्टी को जिन 15 उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायत मिली थी उनमें से पार्टी ने सभी को क्लीन चिट दे दी है। यानी अगर दाग आप पर लगे तो अच्छे और दूसरे पर लगे तो दाग बुरे। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।